रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो देखूं। ओ मेरे नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। सारे आसमान खला पुर हो जाए मगर सिर्द पाक का एक बाप भी पूरा ना होगा। वहाँ पर तकरीर की सेकंड पोजीशन आगे जिले MCA स्कूल स्टूडेंट हम। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक, जिस जात का कुरान, जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरे नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। ए मुजाहिद नबी नात गुनगुनाए जा, नगमे मुहम्मदी जो मुकर सुनाए जा, दो जहां पिचाए जा, दो जहां पिचाए जा, ज़र्ब हक लगाए जा, ज़र्ब हक लगाए जा, हक अल्लाह, हक अल्लाह। हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद ही उनको पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव तक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग तक जाएंगे। जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आएगा, जिस आई के बवर में डूबता रह जाएगा। वासिता दूँ आपको मैं आपके हसनैन का, यार गारे शोर का सिद्दीक़े कोने का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहें, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहें। पलक के सितारों, जमीन के बहारों, खुशियाँ मनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तो मैं बैठ के मंगी क्या से हूँ।
बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खलक के हर हिस्से को राख बना दिया जाए, तो यूं तो गुमान हो सकता है कि सारी दुनिया की कलम टूट जाए, समंदर का पानी खुश हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खला पुर हो जाए, मगर सिर्फ पाक का एक बाप भी पूरा ना होगा। जनाबे सदर, ये तो वो मौजू है कि जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को खनन बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक के खला को अवराक बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम टूट जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे असहाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। यकीन मानिए, जब मैं इस नबी का तस्करा करता हूँ तो मुझे साहब की आवाज में पत्थर का नबी का दुआ देने वाला नजर आता है, जब मैं इस नबी के मुंह पर बात करता हूँ तो मुझे मक्का में आम नबी का ऐलान करने वाले बशर याद आ जाता है, जब मैं इस मुंह पर बात करता हूँ तो मुझे जिंदा समाप्त कर देने वाले बशर याद आ जाता है, जब मैं इस मुंह पर बात करता हूँ तो मुझे आमना के लाल मुंह के प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की खूबियां बरदर्जे मौजूद थी। ज़ात मुबारक में नूह अलैहिस्सलाम की सी सरगर्मी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी नरम दिली, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सी दरगुजर, दाऊद अलैहिस्सलाम की सी फतुहात, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सा सबर, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सी सल्तनत, ईसा अलैहिस्सलाम की सी हकसारी, यहीया अलैहिस्सलाम का सा ज़ुहद और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुबकरुवी कामिल ज़हूर बशीती, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरी अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब तेरा सुजूद भी हिजाब। अरे मकसद उन गाइस पता सो क्या सना है तू आज का पता सना पे का उसका की दागे दा ओपन कॉल ला पारा और खल को ता मन ता खबर को वाले ता पढ़ाई वाले खबर को वाले गाय उली सीना आयुली हौसला वाली मुदम का फिर ता मशरान दा ता खबर हुआ जी मशरान क्या सलाई उन्हें जी कपट सलाई उन्हें दी जगह बदवी के पैदाशी और नूर उसको सरा मुकाबले की खामखा मुकाबले वा स्कूल वाला गुटी और ये मुकाबले दा गणो नमक के प्रश्न के ता खबर आ रहा विस्तार जिदन ता ता वदर इधर इधर ता खबर को वाली जिदन ता अपन खबर है दफल जुड़ा आ प्रचार आ वजाहत को दा का ने उली कामयाबी दा ये जस्ट फॉर टू रिमेंबर व्हाई वी सेलिब्रेट दीस डेज। तो चूँकि ये 12 रबीउल अव्वल का महीना और वी आल नो बेटर कि इस महीने में हमारे इन दोनों जहानों के सरदार दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और इस हवाले से इस महीने में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एक प्रोग्राम होगा मंगल वाले दिन पठेला में, उससे पहले उन्होंने परसों में कहा कि तहसील के लेवल पे कोई प्रोग्राम अरेंज करे, तो टाइम ज़्यादा नहीं था, जस्ट एक या दो दिन थे दरमियान में, तो उस वक़्त हमें भी थोड़ी सी परेशानी हुई कि तैयार तुम नहीं कर सकते, बहरहाल स्कूल्स के वालों को इन्फॉर्म किया कि अपने अपने स्टूडेंट्स को आप ले आए यहाँ पे आ जाए और ये प्रोग्राम में शिरकत करें। नन 16 तारीख दे और द एम सी ए मॉडर्न चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल दे पाठक दरगाह के दलता नन द रबीउल अव्वल मियाशवा नु द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीरत बांधे चे यो द नात मुकाबिला वा यो द तकरीर मुकाबिला वा द जमुन द स्कूल तालिबुल इल्म दे द 8 क्लास तालिबुल इल्म दे द प तकरीर की चे दे सेकंड पोजीशन वा गस्तो और मुंग पदे बांधे डेर फखर महसूस हो और डेर खुशहाली गो چې د سکولونو ټول واړه چې دغه زمون سکول ته را جمع شي او دلته چې دی یو خپل مقابله وشي کمپیټیشن وشي په دې کې د وړو هغه کم صلاحیت چې په ماشوم کې موجود وي هغه راښکار شي هغه خلکو ته ښکار شي په دې ماشوم کې څومره صلاحیت دی بل د سکول رونق پې ښکار شي چې په دې سکول کې ماشوم ته څنګه تعلیم ورکړی کیږي نو موږ به دعا کوو
الله دا داسي پروګرامات او داسي مقابله جات الله دی پمون باندې فمخره ولي ما په تقریر کې سیکنډ پوزیشن غسي زره ام سي اس سکول زره 8 کلاس سټوډنټ يم ما سره صلاح الدين سر مهنت کړو هغه د مهنت توجه زره مقام تر ورسېدو ما په سپیچ مقابله کې سیکنډ پوزیشن غسي سجاد علي پرنسپل جنا ماډل سکول دوبندي زمونږ نن د سیرت النبی سپیچ او ناتیا کمپټیشن او دلته د تحصیل پسته په ام سی اس سکول کې چې په کوم کې زمونږ ماشومان هم احساس اغست واجینا ماډل سکول دوبندی نه زمونږ د ماشوم محمد شیراز په کې فرست پوزیشن په تقریر کې واغستو او په تقریر کې زمونږ ثرد پوزیشن هم راغله ورسره په نات کمپټیشن کې هم زمونږه سیکنډ پوزیشن راغله نو د ماشومانو مهنت کړو کوشش کړو دا ورځ دوا حالانکه ډېر کم ټایم راته ملاو په دوه ورځ کې دوی خبر پور کوشش وکړو باغه کوشش سمره دا و چې زمونږ د ماشوم فرست پوزیشن واغستو مونږ د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک تحصیلدار کې هم شکریہ ادا کوو او د ملکن ټی وی خصوصي شکریہ ادا کوو چې دې پروګرام لا ټوټل پروګرام لیم کوریج ورکو او زمونږه یی د دې قابلیت غنلو چې مونږه د خپل ټی وی د پاره د دې ماشوم او د دې ادارې د سربرانه انټرویو والو ستاسو ډېر ډېر مننه نیم از محمد شیراز خان آی ریډ ان جنا ماډل سکول دوبندی په سپیچ کې ما فرست پوزیشن حاصل کړی دی زمونږ سره ډېر تر مهنت بیا زمونږ پرنسپل صاحب سجاد صاحب کړی نو راځور هغه ډېر مشکور یم او دا مونږ زب نور مهنت کوم چې دا پوزیشن ما ته سیل پسته واسطو زب نور مهنت کوم چې زورا ډیسټریکټ په دغه باندې زو فرست پوزیشن والم چې د دې ټیچرانو مهنت زمونږ سره نو زب سبا بیا بر صبح پسته باندې فرست پوزیشن واسطې شم زور خپل استادانو ډېر مشکور یم چې هغه زما سره دا مهنت